वेलकम टू यू कैन कुक। आज हम आपके साथ यूनिबिक फ्रूट एंड नट रियल कैनबेरीज एंड आमंड का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करेंगे कि इसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितना मिलते हैं, टेस्ट कैसा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, पूरा के पूरा डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फर्स्ट में शुरू करते हैं प्राइस से। तो इसका प्राइस है 40 रुपीज पर 30 ग्राम। प्राइस के हिसाब से ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आजकल हमारे लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हो गए हैं। बाहर में जाती हूँ तो फास्ट फूड खा लेती हूँ और उससे हमारे हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर ऐसा एक ट्रस्टेड ब्रांड का एक स्नैक बार मिल रहे है बस 40 रुपीज में, तो मैं तो इसको एक बार ट्राई करना पसंद करूंगी। आप लोगों का हिसाब से क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये ऑनलाइन पे साथ ही साथ शॉपिंग मॉल में मिल जाते हैं और डिस्काउंट भी मिलते हैं अच्छा खासा, तो आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो बस 6 मंथ का रहते हैं, तो बाय करने से पहले शेल्फ लाइफ एक बार देख लेना। और इसके ऊपर लिखा है स्नैक बार। आजकल के छोटे बच्चे भी डेली सेम ब्रेकफास्ट पसंद नहीं करते हैं, इवनिंग टाइम में स्नैक्स के जगह पे चॉकलेट या फिर चिप्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके जगह पे आप लोग ऐसा एक स्नैक बार दे सकते हो। ये देखिए इस जगह पे ग्रीन सिंबल है, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये। और इसके ऊपर ही लिखा है 55% फ्रूट्स एंड नट्स, तो इसके अंदर 55% फ्रूट्स एंड नट्स है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख ही सकते हो। और चलिए अभी इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बता देते हैं। एनर्जी इसके अंदर है 115 किलो कैलोरी, प्रोटीन 2.20 ग्राम, फैट 4.20 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0.80 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम, शुगर 7.60 ग्राम। इसके अंदर शुगर है, तो अगर आपका शुगर है तो ये आपके लिए नहीं है, या फिर अगर आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हो तो भी ये आपके लिए नहीं है। डाइटरी फाइबर 1.60 ग्राम, लेकिन ये बच्चे के लिए सेफ है, आप लोग दे सकते हो। वो लोग जब बहुत ही जिद करे कि नहीं घर का खाना पसंद नहीं है, तब ऐसा एक स्नैक बार आप लोग दे ही सकते हो। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं, क्योंकि टेस्ट सबसे बड़ा बात है। मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को अगर टेस्ट पसंद नहीं आते हैं तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो इस हिसाब से टेस्ट सबसे बड़ा है। चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो चलिए पैक को अभी ओपन करती हूँ। हाँ, ओपन करने के बाद कैनबेरी का जो एरोमा होते हैं वो आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोमा है। अगर आपका बच्चा को कैनबेरी का एरोमा पसंद नहीं है तो ये ट्राई मत कीजिए। और इसके अंदर स्नैक बार कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए ये हाफ है और हाफ इसके अंदर रह गए हैं, टूट गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रंची है, ये टूट गए है क्योंकि अभी मेरे घर में बच्चा है तो वो इससे खेलते रहते हैं, तो इसी कारण ये टूट गए हैं। तो अभी इसको मैं ट्राई करूंगी और बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। नट्स है इसके अंदर और देखिए थिकनेस तो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। और इसका टेस्ट का बात करूं तो ये स्वीटर ही नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर शावरी टेस्ट ज्यादा है, यानी कि खट्टापन है, क्योंकि इसके अंदर रेजिन्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, पीनट्स भी दिखाई दे रहे हैं, आमंड भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा खट्टापन है। बच्चा को खट्टा चीज पसंद आते हैं, चिप्स के ऊपर खट्टा वो मसाला रहते हैं, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप लोग एक बार देख के ट्राई करके देख सकते हो कि पसंद आए या नहीं। देखिए रियल सच में कैनबेरी एंड आमंड इसके अंदर है। टेस्ट भी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, चॉकलेट जैसा एकदम नहीं, फ्रूट जैसा भी नहीं है, तो ठीक ठाक एवरेज, जैसे कि फास्ट फूड जितना खराब भी नहीं और एकदम घर का जो फ्रूट होते हैं उतना अच्छा भी नहीं, मिडिल। टेस्ट भी ऐसा चॉकलेट जैसा भी नहीं है और घर का बना हुआ दाल जैसा भी नहीं है, तो इसको मैं आउट ऑफ 10 7 दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ।
टेस्ट थोड़ा सा खट्टा है, मेरे को पसंद आया है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो यही है मेरी आज की यूनिबिक का फ्रूट एंड नट रियल कैनबेरीज एंड आमंड स्नैक बार का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियोस रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।